कोरोना वायरस चमगादड़ से फैलने की खबर से रीवा सतना के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चमगादड़ पाए जाते हैं और अगर चमगादड़ से कोरोना वायरस सीधे तौर पर मनुष्य में आता है तो कोरोना के फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा है। हालांकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में भी पाया जाता है, लेकिन वो अलग होते हैं। चमगादड़ का वायरस इंसान में आने की पुष्टि नहीं हुई है। रीवा सतना में लोग चमगादड़ से भयभीत हैं। कोरोना वायरस चमगादड़ से फैलने की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों का कहना है कि इन क्षेत्रों में चमगादड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, अगर चमगादड़ से कोरोना फैला तो यहाँ की स्थिति खराब हो जाएगी। रीवा से 25 किलोमीटर दूर रीवा सतना की सीमा में स्थित बकिया गांव में सन्नाटा पसरा है। लॉकडाउन के साथ ही चमगादड़ों से यहां के लोग खौफजदा हैं। यहां बरगद, पीपल और आम के पेड़ों में चमगादड़ पाए जाते हैं। लोगों का मानना है कि यहां वर्षों से ये चमगादड़ रह रहे हैं, अभी तक ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। गौरतलब है कि विंध्य क्षेत्र कोरोना के संक्रमण से दूर है और चमगादड़ से कोरोना फैलने की खबर ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है। वैज्ञानिकों की माने तो चमगादड़ से मनुष्यों में कोरोना सीधे आने के प्रमाण नहीं है और यह अभी शोध का विषय है, इसीलिए लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, केवल सावधानी बरतने की जरूरत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में पाया जाता है, लेकिन वह चमगादड़ों का ही वायरस होता है, इंसानों में नहीं आ सकता। ICMR के मुताबिक चमगादड़ों से इंसान में कोरोना वायरस आने की घटना 1000 साल में एक आध बार हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। विद ट्रैमर इम्यून सिस्टम्स लाइक ह्यूमंस, ये बहुत खतरनाक है और पूरा क्षेत्र मेरा जाना हुआ है। बकिया डैम है और बिल्कुल रीवा जिला जहां खत्म होता है, सतना जिला जहां आरंभ होता है, वहां का ये है। जो इसमें साफ साफ यूनिवर्सिटी की जो स्टडी बता रही है, जो सारी चीज़ें बता रही है, मेरे पास ये पूरा है, बहुत लंबा है, वो मेरे दृष्टि में सबसे पहले तो उस पूरे क्षेत्र को हमें कॉर्डन ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए ना, वहाँ से निकले ना, कोई बच्चे ना जाएं। ये ब्राउन बैट्स हैं, जायंट ब्राउन बैट्स इनको कहा जाता है। बैट्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, लगभग 8-10 वेराइटी की बैट्स होती हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक वाली बैट्स हैं और इसमें वो पॉइजन ज़्यादा होता है। तो ये बैट्स आपके घरों में भी जाती हैं, पेड़ों में भी लटकती हैं। अगर ये घर में प्रवेश कर गई तो ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए शासन से मेरा अनुरोध है कि इस पर त्वरित एक्शन लें। जहाँ मेरी सेवाओं की आवश्यकता है मैं हाजिर हूँ, और इसको अगर हम ख़त्म करते हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा टल सकता है। इसको हम टालते हैं तो एक बहुत बड़े खतरे को हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये मेरा गाँव ग्राम पंचायत बकिया वेलो है, यहाँ का मैं सरपंच हूँ। ये जो चमगादड़ पक्षी है ये यहाँ पे आज करीबन 100 साल या इससे ज़्यादा कहें उनका निवास यहाँ पे है। जब से हम लोगों का जन्म से पहले हम लोगों को मतलब कि इसके पहले से ये बताया भी जाता था कि चमगादड़ पक्षी यहाँ रहते थे। यहाँ पे जो बजरंगबली का मंदिर है, संकट मोचन के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर रामलला, राम लक्ष्मण, सीता माता जी का वही मंदिर है। जब से ये कोरोना महामारी पूरे देश में व्याप्त हुई है तब से लोगों में इतना भय है कि मंदिर में आने से डरते हैं लोग। पूजा पाठ में विश्वास करते थे लोग, मंदिर में हर शनिवार मंगलवार भीड़ लगती थी, लेकिन जब से ये ऐसा जानकारी मिली है कि चमगादड़ के द्वारा ये कोरोना महामारी व्याप्त हो रही है पूरे विश्व में, तो इससे आने जाने में लोग दहशत करते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। We'll be right back.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।